नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आती सड़ी से एक बार फिर आपके सामने कुछ और डिजाइंस लेके। इस टाइप के डिजाइंस मैंने पहले भी दिखाए थे लेकिन वो तो खत्म हो गए हाथों हाथ। इस टाइप के और डिजाइंस आए हैं और उसकी बहुत अच्छी डिमांड आई है, इसलिए ही मैं दोबारा लेके आया हूँ उस तरह के और डिजाइन। विचित्रा सिल्क पर ये देखिए बारीक काम, सर्वोस की बीच में पत्तियों में मल्टी रेशम, सिंपल सोबर साड़ी की। हमें बहुत ज़्यादा स्टोन वर्क नहीं चाहिए और सर्वोस की भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, तो इस तरीके सिंपल सोबर काम चाहिए सिल्क पे। पार्टी वेयर साड़ी, पूरे में चौड़ा बॉर्डर और नीचे स्कर्ट में पूरा चौड़ा बॉर्डर इस तरह से लीजिए। थोड़ा सा ये देखिए बहुत बढ़िया ग्रेस आ रहा है। कम लाइट में दिखा रहा हूँ जानबूझकर, यदि हम लाइट ज्यादा जलाएंगे तो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऊपर छोटा नीचे चौड़ा है। हाँ, ऊपर की साइड छोटा बॉर्डर है और नीचे चौड़ा बॉर्डर है। रेंज वाइज आइटम है, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ये सारे के सारे डिजाइन जो भी मैं आपके पास लेके आया हूँ 1200-1300 से लेके 2000 रुपए के बीच में है, बस के अंदर अंदर है सारे डिजाइन उस। ये देखिए, और ये इसका ब्लाउज हो गया। आप यदि कहें तो क्या मुझे लाइव वीडियो बनानी चाहिए? बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं, आजकल लाइव वीडियोस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लाइव वीडियोस चल रही हैं कि लाइव वीडियो दिखाने का, तो क्या मुझे भी लाइव वीडियो बनानी चाहिए? अदरवाइज़ क्या होता है, वीडियो मैं पहले बना देता हूँ, लॉन्च बाद में करता हूँ। तो ये एक चीज़ डिफरेंट कंसेप्ट हो गया। एक कंसेप्ट ये हो गया कि लाइव दिखा रहा हूँ आपसे, चैटिंग भी होती रहेगी और बात भी चलती रहेगी। ये देखिए इस तरीके से सारे कलर, रामा कलर, मैरून, सी ग्रीन, रेड, ग्रीन, पाकिस्तानी हरा और दूसरा डिफरेंट ही है, मिक्स कलर है, अलग मेटेलिक कलर कहलाएगा। ये देखिए विचित्र सिल्क पे ही एक और डिजाइन, चारों तरफ बॉर्डर, मल्टी रेशम बीच में बूटे और सर्वोस की का काम। कम काम, सिंपल सोबर साड़ी बहुत सारे कस्टमर्स को चाहिए होती है। विचित्र सिल्क पे चाहिए सिंपल सोबर साड़ी, चाहिए फैंसी साड़ी, चाहिए थोड़ा सा डिजाइनर साड़ी चाहिए, तो इस टाइप के डिजाइन की डिमांड रहती है। रेंज का मैंने आपको आइडिया दे दिया, आज जो भी डिजाइन मैं दिखाने वाला हूँ वो करीब करीब रफ आइडिया 1300-1400 रुपए से लेके 2000 के बीच, मतलब बीच में है सारे डिजाइन, उसके अंदर अंदर है। प्राइस हमेशा की तरह यहाँ पे एग्जैक्टली इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको बेचने में दिक्कत ना आए, बड़े आराम से बेच सकें। ये ब्लाउज है, इसके कलर्स देखिए, कलर्स भी बहुत प्यारे, ये देखिए मेटालिक कलर, रामा सी ग्रीन, रेड, मेटालिक रेड है तो चुभ नहीं रहा आंखों में, सुर्ख रेड नहीं है, ग्रीन कलर। और भाई सारे डिजाइन सारे रंग बहुत बढ़िया। एक बात तो सर और भी समझिए कि हम कभी भी अपनी चीज को फालतू नहीं बताते, कम करके बताते हैं। कोई मुझसे पूछता है कि सर माल कितने दिन में मिल जाएगा, 3-4 दिन में 5 दिन में मिल जाता है, लेकिन मैं कहूँगा 7-10 दिन में। अब किसी को 10 दिन में कहने के बाद उसको 4th-5th दिन माल मिल जाए, 3rd दिन माल मिल जाए तो वो खुश होगा या गुस्सा होगा? और किसी को आपने 4 दिन की वायदा करा और वो बाई चांस 5-6 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, तो वो खुश होगा गुस्सा होगा? सर ये देखिए पल्ले पे जरी का काम, चौड़ा बॉर्डर, बीच में सरोस की हल्की सी लगाई हुई, मल्टी रेशम के संग डिजाइन सारे डिफरेंट डिफरेंट, बूटी इसमें ज़्यादा कर दी, बॉर्डर भी ऊपर और नीचे की साइड पतला बॉर्डर, बूटी ज़्यादा डाल दी ये इस तरीके से। तो देखिए पल्ले पे थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज चली है, लाइट भी इस वजह से काम है क्योंकि जगह चारों से शॉर्ट है, हर जगह माल पैक हो रहे हैं। अभी जैसे सर्वोस्की का ये गाउन वगैरह बहुत चल रहे हैं, सर्वोस्की गाउन, सर्वोस्की की साड़ीज वगैरह,
तो इस तरह के भी बहुत सारे मटेरियल बना रहे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपने इस तरह की आइटम दिखाई है, फिर बाद में इस तरह से पैक होके थैलियों में ये सारे माल डिस्पैच हो जाते हैं। खैर ये देखिए, ये इसका ब्लाउज हो गया रेड कलर, मैरून, चीकू, और ये इसकी साड़ी पहनाई हुई। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, पहनी कलर ये देखिए ऐसे लग रही है। और आजकल तो संडे भी आ जाते हैं, लेकिन सैटरडे नाइट में आपको कंफर्म करना पड़ेगा एक बार, कस्टमर्स की काफी डिमांड होती है तो आ जाते हैं। अभी तो मैं ब्राइडल लहंगे भी होलसेल कर रहा हूँ, पहले मैंने दिखाई भी थे ब्राइडल लहंगों का होलसेल जो सूरत से लोग लाते हैं। मेरे कई खातों में सेटिंग है इस तरीके से कि वो माल हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, जो दुकानदार पहले सूरत से माल लाते थे अब वो हमसे ले रहे हैं। डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ माल क्वांटिटी जा रहा है, बहुत अच्छे क्वांटिटी में जा रहा है। और नीचे हमने रिटेल भी शुरू कर दिया, तो रिटेल में भी किसी को माल चाहिए तो वो भी दे देते हैं। रंगोली फैब्रिक पे ये देखिए, पूरे में चौड़ा बॉर्डर, एक सार रेंज वाइज आइटम, और पूरे में बूटी, बस बूटी सॉस की बूटी पे स्टोन लगाए हुए हैं। ये देखिए हैवी साड़ी, और हर बूटी पे भी स्टोन लगे हुए हैं। और ये इसका ब्लाउज हो गया रनिंग में पीछे, पांच कलर हैं इसमें, पांचों टॉप के कलर। कश्मीरी वर्क, पहले ये कश्मीरी वर्क कहलाता था, मतलब कहलाता तो अभी भी कश्मीरी वर्क है, लेकिन पहले कश्मीरी कढ़ाई कहलाती थी, और हर एक जना कर नहीं पाता था कारीगर, क्योंकि सारे काम हाथ से होते थे, ये कंप्यूटर से हो रहे हैं। और बहुत रेंज वाइज साड़ी, इस रेंज में ये साड़ी बहुत बढ़िया, बेहतरीन से भी बेहतरीन। नीचे बॉर्डर लगा हुआ, दोनों साइड चौड़ा बॉर्डर, बीच में बूटी का जाल, ये देखिए ऐसे ले लीजिए। लाइट थोड़ी सी कम है इसमें, कलर चेंज हो रहा है, लेकिन लाइट इसलिए कम रखी हुई ताकि कलर चेंज ना हो, आपको एग्जैक्ट कलर दिखे, सही कलर दिखे, ओरिजिनल कलर दिखे। कई बार फिर भी उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, जैसे भैया बता रहे हैं कि इसके बाद भी कलर चेंज हो जाता है कैमरे की वजह से, लेंस की वजह से, ये स्क्रीन का रेजोल्यूशन की वजह से, तो 19-20 का तो डिफरेंस आएगा। ये देखिए ये इसका प्लेन ब्लाउज हो गया, क्योंकि साड़ी अपने आप में बहुत हैवी है, बहुत हैवी साड़ी है, इसलिए इसका ब्लाउज प्लेन कर रख दिया। ये देखिए सब कलर मिल जाएगा, वो लोग किसी किसी कलर में, एक आध कलर में चेंज ज़्यादा महसूस हो रहा है, बाकी कलर्स में नहीं आता। ये देखिए सिल्की साटन पे बहुत बेहतरीन डिजाइन, बारीक काम, रेशम जरी का पतला और बारीक काम, सर्वोस्की का टचिंग, मल्टी रेशम की हल्की सी टचिंग, उसी से गेटअप बढ़ जाता है। साड़ी सुपर साड़ी कहलाती हैं, फैंसी साड़ी कहलाती हैं, डिजाइनर पीस कहलाते हैं सिल्की साटन पे। और चारों तरफ देखिए पाइपिंग भी करी हुई है, चलो तो पाइपिंग करी हुई है ताकि साड़ी की लुक बढ़ जाए। ये देखिए इस तरीके से
और सिल्की साटन पे। लुक बहुत अच्छी, फैंसी लुक, सुपर लुक। ये देखिए, ये इसका ब्लाउज हो गया। येलो कलर, येलो मस्टर्ड, रामासी कलर, क्योंकि मेटालिक कलर है तो ये भी टोन अलग ही टोन हो गई। एग्जैक्टली नहीं कह सकते, तो इस तरह के आइटम बहुत हैं। बाकी आप जिस तरह की चीज़ कहेंगे मैं उस तरह की चीज़ लेके आऊँगा अपने वीडियोस में। अभी बॉल गाउन वगैरह भी बन रहे हैं और भी काफ़ी चीज़ें बनी है, वैरायटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कुछ नया आता रहता है। बाकी जो रिपीट कर रहे होते हैं वो तो चल ही रहा है हमारे उसमें। बाकी मन की बात में छोटा सा मैंने एक दो दिन पहले पोस्टिंग करी थी, उसी पोस्टिंग के विषय में मैं बताऊंगा। जीवन संघर्ष, सिंपल सी पोस्टिंग करी थी, चूँकि पढ़ के ही वो सही रहेगा। महाभारत में ना श्री कृष्ण ने, कृष्ण को भी मैं श्री कृष्ण जी से कर्ण ने पूछा, श्री कृष्ण से कर्ण ने पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या मेरा अपराध यह था कि मेरा जन्म जो हुआ एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ था? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा श्री कृष्ण से महाभारत में, द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, किस वजह से? क्या मैं नीच कुल का था इसलिए? मेरा कसूर नहीं था, मैं क्षत्रिय नहीं मानते थे? तीसरी बात कर्ण ने पूछी श्री कृष्ण से, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि मैं किसी राजकला राजघराने का कुलीन व्यक्ति तो था ही, सिर्फ इसलिए। अब श्री कृष्ण ने मन मन मुस्कुराते हुए ने क्या जवाब दिया, आप सुनिए उसको, अपने जीवन में कैसे उतारते हैं फिर वो देखिए। हर चीज से अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हे करण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। श्री कृष्ण, सबको पता है जो भगवान हैं हमारे, उनका जन्म जेल में हुआ था। पहली चीज उन्होंने कहा, मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु इंतजार कर रही थी, सबको पता है, कंस मारने के लिए तैयार था। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे माँ बाप से अलग होना पड़ा। भाई वो यदि वो नहीं छोड़ के आते उनको तो उसको मार ही देते। मैंने गायों को चराया और गायों के गोबर को अपने हाथों से उठाया। भाई गाय चराते चरवाए थे ये तो सभी को पता है, वहां पे काम ही ये था। जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए, बहुत सारे राक्षसों को मारने भेजा था श्री कृष्ण को। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई गुरुकुल नहीं था, कोई महल नहीं था, फिर भी मेरे मामा ने मुझे बहुत बड़ा शत्रु समझा। एक सेकंड पॉज़। और बड़ा होने पे ऋषि संदीपन के आश्रम में मुझे जाने का अवसर मिला। बहुत से विवाह राजनीतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जो कि मैं राक्षसों से छुड़ाए थे। वो समय ऐसा था कि जिस औरत को कोई राक्षस उठा के ले गए तो उसको कौन अपनाएगा उस समय में, वो तो आज की डेट में बड़ी दिक्कत हो जाती है, और उस समय में तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ थी। जिस स्त्रियों को उन्होंने छुड़ाया उनको कौन नाम देगा, कौन अपना बनाएगा? मुझे उन सबसे शादियाँ करनी पड़ी, राजनीतिकरण से भी उस तरीके से। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से दूर ले जाके समुद्र के किनारे द्वारका नगरी, सबको पता है, में बसाना पड़ा। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। मतलब उन्होंने इसके बाद जो लिखा, वो जो लिखा चुनौतियों से रहित नहीं है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे अधिकारों का कितनी बार हनन हुआ, कितनी बार हमारा अपमान होता है, हमारे संग अन्याय क्या होता है, लेकिन फर्क इस बात का पड़ता है कि हम उनका सामना किस प्रकार के कर्म ज्ञान से करते हैं, खुद क्या करते हैं। हमें दूसरों से अपने लिए एक एक्सपेक्टेशन है, वही कह रहा हूँ, वही मैं कहता हूँ।
दूसरों से हमें अपने लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, हम सिर्फ दूसरों के साथ वो करें, दूसरे हमारे साथ क्या करते हैं डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपके संग चोरी कर रहा तो आप भी चोरी करना शुरू कर देंगे, आपके घर में चोरी शुरू कर दी, नहीं दोबारा चलेंगे हम आगे बढ़ेंगे। कोई आपके संग झूठ बोल रहा है, गलत बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, डजंट मैटर क्या कर रहा है, उसको करने दो जो वो करना चाह रहा है भाई। आप होने को तो रोक ही नहीं सकते, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, आप कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है, आप क्या कर्म कर रहे हो उसका डिपेंड करता है। अभी पेपर हम दे के आए स्कूल में, सब ने पेपर दिए, अभी स्कूल में हमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा लिखा, टीचर ने उस समय थोड़ा सा मूड अपसेट था, ढंग से नहीं देखा या परेशान हो गया उन्होंने, कम होता है लेकिन हो जाता है। आप ही का पेपर एक मिनट के लिए उन्होंने दिया, पेपर चेक करो किसी को भी दे दिया, उसने नंबर पूरे नहीं दिए, उन्हें अंदर से ख्याल आया क्या गलत कर रहा हूँ, सिर्फ एक पेपर में ही हुआ। उसके बाद उन्होंने सारे पेपर खुद चेक करे और सबको सही अच्छे नंबर दिए, एक आदमी जिसने सबसे बढ़िया लिखा था उसको नंबर कम मिल गए, ऐसा समझ। उसके ऊपर गलती से जिसने थोड़ा सा ऊटपटांग लिखा था, गलत लिखा था, दूसरा आदमी जिसने कम होशियार था, चाहे उसमें कुछ भी लिखो, फिल्मी स्टोरी भर दी हो, उन्होंने उससे लिखा था पेन से, गलती से पेपर पे पानी गिर गया, टीचर घबरा गए, अब क्या होगा, लफड़ा पड़ गया, अब क्या करूँ, लिखा तो बहुत सारा है, पहले क्वेश्चन सही लिखा है, बाकी का पेपर भीग गया, मगर सही लिखा हुआ अंदाजे से देखा कि इतने हैं, पढ़ने में तो कुछ आ नहीं रहा, सब में नंबर दे दिए, उसके नंबर ज़्यादा आ गए। होने को नहीं रोक सकते, फल आपके हाथ में नहीं है, मार्क्स आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आपका कर्म है। एक बार नंबर आ गए, अच्छे आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन की लड़ाई में हर जगह वो सही रहेगा, वो सफल हो जाएगा। जब वहाँ पे प्रैक्टिकली ज़रूरत पड़ेगी तो ज्ञान जिसके पास होगा, नॉलेज जिसके पास होगी, वो काम करेगा। ये ऐसे ही होता है, यही जीवन में है, सिंपल। अपन जो काम करेंगे, हम जो हमारे कर्म होंगे, जो हमारे विचार होंगे, उस पे डिपेंड करता है। दूसरा कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमें क्या लेना देना, हम अपना जीवन शांति से निकालें। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है, यही छोटी सी कहानी के माध्यम से मैंने बताना चाहा। तो मेरी बात सही लगे तो ज़रूर इन चीज़ों को मतलब अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, ध्यान दीजिए। इसी तरह प्यार देते रहिए, धन्यवाद आप लोगों का, सबका दिन शुभ।